श्री नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। उद्धमेश्वर तंत्र 19वां साधना मालिनी यक्षिणी का। बात उन दिनों की है जब मैं तंत्र के विषय में बहुत गहन शोध कर रहा था, तो जितने तंत्र के केंद्र हैं हर जगह मैं जाता था, उसी में आसाम और मणिपुर के बॉर्डर पे मैं गांव में गया था। तो उस गांव में कहते हैं कि बच्चे भी तंत्र करना जानते हैं, मतलब वो ऐसे घास उठा करके उसको मिठाई बना के आपके हाथ में दे सकते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो नरभक्षी हैं, तो वहाँ रात में रुकना मना होता है। वहीं पर मैंने एक तांत्रिक की कहानी सुनी थी, मैंने कोशिश किया था उससे मिलने का, लेकिन मैं मिल नहीं पाया था और मुझे उस समय वो कहानी लगी थी। कहा जाता है कि जो वहाँ पर बोडो मूवमेंट आसाम में चल रहा था, तो वो जो बोडो उग्रवादी होते हैं उनके पास एक तांत्रिक है या था, अब क्या स्थिति है मुझे पता नहीं, वो उनको एक ऐसी ताबीज देता था जिससे कि जो गोलियां होती है पुलिस की वो उसको नहीं लगती थी, उनको नहीं लगती थी, उनके शरीर का भेदन नहीं कर पाती थी। प्रथम दृष्टया मुझे ये बस बातें लगी, फिर मैंने इस पर शोध किया और मुझे मालिनी यक्षिणी की साधना के बारे में पता चला। मालिनी यक्षिणी का मतलब क्या होता है? मालिनी यक्षिणी का मतलब होता है पुष्पों की जो रखवाली करती है वो मालिनी होती है, तो आप पुष्प रूप है उसकी वो रक्षा करेंगे। अगर आप मालिनी यक्षिणी को सिद्ध कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि दुनिया में कोई भी अस्त्र आपका भेदन नहीं कर सकता है, कोई भी शस्त्र आपका भेदन नहीं कर सकता है। साधना इनकी जटिल भी है और थोड़ा आसान भी है। देखो इसमें एक और बात है, इनकी जो सिद्धि है ना, खड़क सिद्धि इसको कहते हैं, इसको किसी भी चौराहे पे किया जाता है। अब मेरा किसी से पिछले दिनों बात हो रहा था, तो उसका कहना था कि भाई चौराहा तो हर जगह बिजी होता है, चारों तरफ से गाड़ियां आती रहती है, तो आप हमेशा चौराहे का मतलब जो काली सड़क वाली चौराहा है वो क्यों सोचते हैं? गाँव में चौराहा होता है, जंगल के बीच में भी चौराहा होता है, जहाँ दो रास्ते आके इंटरसेक्ट कर जाए वो चौराहा होता है। तो ऐसे ही किसी शांत चौराहे पे आपको ये साधना करनी है। यक्षिणी साधना का जो विधान है वो मैंने आप लोगों को पहले बताया है, उसी हिसाब से पूजा करके, ठीक है, और दक्षिण दिशा की तरफ देखते हुए या पूरब देखते हुए आप जो मंत्र मैं बता रहा हूँ उसका 10,000 जाप कीजिएगा, फिर दशांश हवन कीजिएगा घी से। मंत्र को ध्यान से सुनिए, मंत्र है ओम द्रिम ओम नमो मालिनी स्त्री एह यही सुंदरी हम्स हमसी समीहम मी संगा भया स्वाहा। इस मंत्र का 10,000 जाप करके फिर आप घी से हवन करेंगे। जब इसका आप दशांश हवन कर लेंगे तो आपको खड़क शक्ति मिलेगी, खड़क सिद्धि मिलेगी। इसका मतलब होता है कि आप पर किसी भी तरीके का कोई भी अस्त्र प्रयोग काम नहीं आएगा। पहली बार में हो सकता है कि आप इस साधना में पास ना हो, उसका बहुत सारा कारण होता है, आपकी मानसिक स्थिति, आपका जो साधना का अनुभव है वो, आपका फिजिकल दशा, आपने जो ध्यान से वो साधना को किया, जिस फल की इच्छा के लिए किया, वो हो सकता है पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में आपको सक्सेस ना दिला पाए। लेकिन आपको जब तक सक्सेस ना मिले, अभी तक जितने साधकों का मैंने सुना है, जिन लोगों ने साधना किया है उन्होंने 6-7 साल ये साधना किया तब जाके उनका सिद्ध हुआ है। तो साधना बहुत ही सिंपल है लेकिन इसका फल उतना ही ज़्यादा लाभकारी है। तो इसमें आपको समय लगेगा, तो समय लेकर के इस साधना को कीजिए। जिनको भी लगता है कि उन पे जान का खतरा है, ऐसे लोगों के लिए साधना ज़्यादा उपयोगी है। भले आपको बिल्कुल ही खड़क साधना ना मिल जाए, लेकिन फिर भी आपकी जान की सुरक्षा इस साधना से होती है, क्योंकि ये यक्षिणी प्रत्यक्ष रूप में आपके आसपास विचरण करने लगती है। आज के लिए इतना ही,
जिनको साधना का बेसिक सीखना है वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका नंबर है 9431188585। इसके अलावा डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप इंस्टॉल और डाउनलोड कीजिए। US, कनाडा और इंडिया के लोग मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। rudranam@cm4 मेरी ID है। डायरेक्ट बात करने के लिए www.aghortantras.xyz पर जाइए और अपॉइंटमेंट सीख कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। भगवान आप सभी को सुरक्षित रखे, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।